शाजापुर रेलवे स्टेशन का चयन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत शाजापुर के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। स्टेशन पर रेलवे ओवरब्रिज, पार्किंग स्थल, प्लेटफॉर्म सहित अन्य चीजों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल द्वारा स्कूलों में चित्रकला, निबंध, कविता, वॉक कला विषयों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेलवे देश की धड़कन है, रोजाना लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में इसका अहम रोल है। शाजापुर रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाना, यात्री सुविधाओं का विस्तार, यात्रियों का मैनेजमेंट और बेहतर साइंस सिस्टम को बनाने के लिए विकास कार्य शुरू हो चुका है। यात्रियों को साफ और हाइजेनिक वेटिंग एरिया, रेस्ट रूम बनाए जाने के साथ ही खाने पीने के अच्छे स्टॉल भी बनाए जा रहे हैं। जो है रेल के विकास और देश के विकास के लिए सतत निरंतर उनके प्रयास जारी हैं और उसी कड़ी में जो है रेलवे का अगर विकास देखें तो 508 स्टेशन इस योजना में उन्होंने शामिल किए हैं, जिसमें हमारा शाजापुर भी है। और इस स्टेशन का अमृत भारत योजना में नाम आने से यात्रियों के लिए बहुत सारी सुविधाएँ जो है डेवलप होने वाली हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हैं नई बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें जो नए ऑफिस बनेंगे उससे स्टेशन का लुकिंग भी आएगा। और चूंकि इलेक्ट्रिफिकेशन उसका हो चुका है, बाकी पार्किंग से पार्किंग नहीं थी यहाँ, ब्रिज नहीं था यहाँ, तो अब यात्रियों को ओवरब्रिज की सुविधा मिलने वाली है, उसका भी काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे रेल जगत में भी कई तरह की बदलाव आए हैं और वो कई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। हमें वंदे भारत जैसी रेल मिली है जो कि ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट हो जाती है। वह हम चाहते हैं कि 2047 तक हमारा भारत विश्व गुरु बन जाए और उससे वंदे भारत जैसी और भी कई तरह की रेल मिले, वह हमारा भारत और भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। समस्त रेलवे परिवार को मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हम बच्चों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जिससे हमें भारतीय रेल के बारे में और हमारा ज्ञान बढ़ा। वह मैं भारतीय रेल के हर एक व्यक्तिगण का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ कि वह हर मौसम में दिन रात की परवाह किए बिना अपना कार्य बड़े ही निष्ठा के साथ पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार वह 2024 में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं, हमें लगता है कि 2047 तक वह कई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे।